श्रीमती अनिला भेड़िया जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहिए थी कि गर्भवती महिलाओं को सुपोषण अभियान के तहत जो गर्म भोजन मिलता था वो क्यों बंद हुआ। तो उन्होंने जवाब दिया है कि ये योजना में बाकी योजनाओं को समाहित किया गया है और योजना बंद नहीं की गई है। पर मैं ये आपके माध्यम से पूछना चाहूँगी कि कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो मुख्यमंत्री सुपोषण योजना में सम्मिलित किया गया था और क्यों ये योजना बंद कर दिए गए, ये मतलब गर्म भोजन क्यों बंद कर दिए गए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय विधायक महोदया जी को बताना चाहूंगी कि उन्होंने कहा कि महतारी जतन योजना, जो माननीय अध्यक्ष महोदय जी आप जब छत्तीसगढ़ का नेतृत्व कर रहे थे तो उसमें गर्भवती महिलाओं को गर्म भोजन दिया जा रहा था, लेकिन कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत इसमें गर्भवती महिलाओं को भी 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों को भी और 15 वर्ष से 49 वर्ष की एनीमिया महिलाओं को भी सुपोषण योजना के तहत गर्म भोजन का प्रावधान रखा गया था। लेकिन शासन के गाइडलाइन के अनुसार, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय विधायक जी को बताना चाहूंगी कि योजना बंद नहीं हुआ है, ये योजना चल ही रहा है, लेकिन गाइडलाइन के अनुसार इसमें जिले में जो डीएमएफ मद होता है, सीएसआर मद होता है और जन सहयोग से जहां जहां का डिमांड आ रहा है वहां वहां दिया जा रहा है, वैसे अभी 4 जिलों में दिया जा रहा है और महासमुंद का भी आया है, वो चल रहा है, वहां भी दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कह रहा है अभी दिया जा रहा है, अभी इतने 90 विधानसभा सदस्य बैठ रहे हैं, आप सबसे पूछ लीजिए कहीं पे गर्म भोजन उपलब्ध नहीं हो रहा है। और माननीय मंत्री महोदय से मैं कहना चाहूंगी कि हमारे मुख्यमंत्री जी जब इस अभियान को, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चालू किया था, सुपोषण छत्तीसगढ़ बनाने के ओर, तब 160 करोड़ की प्रावधान बजट में रखी थी और आपकी सरकार आने के बाद उसमें 25 करोड़ की बजट रखी। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है जो हमारे महिलाएं, आपने हमारे मुख्यमंत्री कहा, मुख्यमंत्री कौन है ये बताइए ना, हमारे मुख्यमंत्री तो उसको तत्कालीन मुख्यमंत्री बोलिए, ठीक है ना, तो हमारे है ना, तो इसलिए हमारे मुख्यमंत्री बोले, हम लोग दिन से बोलते हैं, आप लोग जैसे बनावटी नहीं बोलते, तुम तो विष्णु सरकार को मानते ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, तो मैं यही जानकारी लेने में, हम लोगों के समय इसमें कमी आई थी, महिला मृत्यु दर में, जब शिशु महिला शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई थी, 149 से 2022-23 में 137 आ गई थी। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि जो गर्म भोजन अभियान था, एनीमिक महिलाओं को, शिशुवती महिलाओं को, 0 से 3 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए गर्म भोजन का प्रावधान था, उनको तत्काल चालू करें, नहीं तो आप फिर से हमारा छत्तीसगढ़ कुपोषण की ओर जाएगी और इस सुपोषण अभियान को चालू करें, इसलिए आपसे निवेदन है। नहीं तो, और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये बताना चाहूंगी कि आज कोई प्रावधान नहीं रखे हैं, 0 से 3 वर्ष के बच्चे के लिए भी कोई प्रावधान इस सरकार में नहीं रखे हैं, तो इसको माननीय मंत्री महोदय से जाऊंगी कि इसको फिर से चालू करेंगे क्या, और ये 0 से 3 वर्ष भी, और एनीमिक महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, शिशुवती महिलाओं को फिर से गर्म भोजन चालू करेंगे क्या। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सबसे पहले तो मैं माननीय विधायक महोदय जी को बताना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमारे सम्मानीय विष्णु देव साय जी के सुशासन में हमने अभी तक जो काम किया है, वो चाहे बच्चों को लेकर हो, चाहे महिलाओं को लेकर हो, चाहे अन्य किसी युवा किसान, सभी को आए दिन लगातार एक से एक योजनाएं
सभी के लिए किया जा रहा है। और इसमें माननीय विधायक महोदय जी का कहना है कि कुपोषण में वृद्धि हो रही है। मैं माननीय विधायक महोदय जी को कहना चाहूंगी कि इन 6 महीने के कार्यकाल में समय में 12% कुपोषित दर घटा हुआ है, आपको अवगत कराना चाहूंगी। और कुछ क्वेश्चन थे कि कुपोषण दर में कमी आई है, आप निकलवा लीजिएगा और पूरी डिटेल यहाँ पे अधिकारी भी बैठे हुए हैं, आप सबको एक एक जानकारी दे देंगे। और आने वाले समय में माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अगर जहाँ जहाँ ऐसी व्यवस्था बनती है या डिमांड आता है सुधार पे हम काम करेंगे। आप न रेडी टू वितरण करा सक रहे हैं, न गर्म भोजन करा सक रहे हैं, तो कहाँ से आप, न कोई सर्वे हुआ है, न कोई वजन त्योहार हुआ है, और कहाँ से आपको कुपोषण दर में कमी मिल गई। ये हमारी सरकार थी, मुख्यमंत्री पोषण चला तब 17% 18% के लगभग कमी आई थी कुपोषण में। ये आप मुख्यमंत्री के सुशासन में, आपके सरकार के सुशासन में अब ये जो कमी आई है वो बढ़ती नजर आएगी। तो माननीय अध्यक्ष महोदय ये घोषणा कर दे कि ये तत्काल ये गर्म भोजन चालू कराएंगे। नेता प्रतिपक्ष अध्यक्ष महोदय, हालांकि महिला बाल विकास का प्रश्न है, मैं कहना चाहता हूँ 0 से 3 वर्ष तो आपकी रुचि का विभाग है क्या माननीय अध्यक्ष? इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए मैं लक्ष्मी राजवाड़े को बड़ी रुचि से सुन रहा था और मैं उसको सलाह देना चाहता हूँ बुजुर्ग के नाते। वो अभी अभी विधायक बनी है, ये पुरानी विधायक है, मंत्री भी रह चुके इस विभाग का। उनके माध्यम से मैं सभी को सलाह देना चाहूंगा कि कम से कम जो वरिष्ठ विधायक हैं उनके प्रति सम्मान, उनके पूर्व पद के नाम के साथ बात करें। लक्ष्मी राजवाणी ने 4 बार विधायक कहा उनको, मुझे इस बात की तकलीफ है। और 0 से 6 महीने के बालक की जहां बात हो रही है, तो 0 से 6 महीने के बालक को अगर पोषण नहीं देंगे तो काहे का सुशासन है साहब? कोई प्रावधान नहीं है, चाहे इंद्र भगवान का सुशासन हो, चाहे विष्णु भगवान का हो, चाहे रामचंद्र जी का हो, जब 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए कुछ नहीं है तो काहे का सुशासन है? 0 से 3 साल वाले के लिए मैं चाहूंगा कि आपको निर्देशित करना चाहिए कि कम से कम किसी को कुछ करें या ना करें, 0 से 3 साल के बच्चों को कुछ व्यवस्था कर दें, ये मेरा निवेदन है। आप भी बोलिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारी मंत्री महोदय जी का उत्तर में आया कि सुपोषण जो अभियान ये बंद नहीं हुआ है ना, आपके आंसर में आया है। तो मैं बताना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय जी कि मेरे विधानसभा में अप्रैल से 3 महीना हो गया अध्यक्ष महोदय जी, आज तक सुपोषण योजना के तहत गर्म भोजन नहीं मिला है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, नियम तो ये है कि अगर गर्भवती महिला पंजीयन कराती है तो 3रे महीने से लेके पूरा डिलीवरी तक और डिलीवरी के बाद 6 महीने तक बच्चों को और उनकी मम्मी को, माँ को गर्म भोजन दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय जी, अप्रैल महीना से बंद सबको है, मालूम है, प्रश्न कर लीजिए। अध्यक्ष महोदय जी, मेरा बस प्रश्न ये है कि ये योजना को कब शुरू किया जाएगा? अगर सर्वे हुआ है तो ये सर्वे कब हुआ है? कुपोषण का आपने अभी उत्तर दिया कि सर्वे हुआ है, तो ये सर्वे कब हुआ है? और अध्यक्ष महोदय जी, इसके साथ आज की जो मेन समस्या, अध्यक्ष महोदय जी, अगर हमारे यहाँ कुपोषित बच्चे हैं, उनको वजन करने के लिए आंगनबाड़ी की महिलाएं जाती हैं, कर्मचारी जाती है, तो अपने बच्चे को भेजने से मना कर रहे हैं। तो बस प्रश्न ये है अध्यक्ष महोदय जी कि ये सुपोषण योजना कब से शुरू होगा? मंत्री जी कुछ बोलेंगे आप? माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले सम्माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, मेरे बातों को सुन के उन्होंने कहा कि शायद मेरी बातों से अगर सम्मान्य पूर्व महिला बाल विकास मंत्री जी को ठेस पहुंचा होगा तो उसके लिए पहले क्षमा चाहती हूं। और साथ में ये योजना बंद नहीं हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये योजना चल रहा है। अध्यक्ष महोदय जी, तो हमारे यहाँ कंप्लीट बंद है, ये योजना चल रही है और आने वाले समय में मैं कही कि शासन के गाइडलाइन के अनुसार इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री
सुपोषण योजना, जिले के डीएमएफ मद, सीएसआर मद और जन सहयोग की भागीदारी से चलना है। तो ये चार जिलों में हो रहा है माननीय अध्यक्ष, आपके केंद्र शासन की योजना, राज्य शासन की योजना, इसमें गाइडलाइन में सीएसआर मद, सीएसआर मद और जन सहयोग, ये कहाँ से आपके गाइडलाइन में आएगा? ये तो वो जन भावना की बात है, ये तो शासन की योजना है, आपके शासन की योजना है, तो फिर इसको जारी क्यों नहीं कर रहे? पिछले पूर्ववर्ती सरकार ने पूरा जारी किया, गलत उत्तर देवा, पूर्ववर्ती सरकार ने पूरा 5 साल सुपोषण योजना दिया है आपको, पूरे जनता जानती है पूर्व से चल रहा है, तो फिर इस बार क्यों ऐसा लेट कर रहे हैं? आप नहीं दे रहे हैं, ये राज्य शासन माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि परसेंटेज में कमी आई है, अधिकारियों से बात कर लें, तो सबसे पहली बात आप इसी बात की है, सदन चल रहा है, हम मंत्री से जवाब लेंगे भाई, अधिकारियों से नहीं लेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बजट में कटौती कर दी माननीय पूर्व मंत्री ने जिस प्रकार से बताया, और कहीं संचालित नहीं हो रहा है अध्यक्ष महोदय, विभाग के द्वारा मंत्री जी को गलत जानकारी दी जा रही है, और इस उत्तर से असंतुष्ट होकर, क्योंकि बच्चों का सवाल है, छत्तीसगढ़ के भविष्य का सवाल है, बच्चों और महिलाओं के सवाल है, और इसमें मंत्री जी का जवाब बिल्कुल असंतोषपूर्ण है, और इसलिए हम सदन का बहिर्गमन करते हैं। बच्चे लोगों को किलबड़ा करना बंद कर रहे हैं।